में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के मंदिर को लेकर अब एक नई सियासत शुरू हो गई। क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जो महाकाल सवारी है उस शाही शब्द को हटाने को लेकर सियासत गरमाई है। जी हाँ, बाबा महाकाल की शाही सवारी आपको जैसा पता है हर साल निकलती है और इसमें लाख भक्त भी भाग लेते हैं। बाबा महाकाल जनता का हाल चाल जानने के बाद फिर महाकालेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर गुप्त और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस विषय में क्या कुछ कहा है। अंग्रेजों आखिरी राजसी सवारी निकल रही है, ये सवारी नहीं है बाबा का, जनता के साथ सीधा सरोकार है, जनता के साथ, आम जनता के साथ, जनता को अपने दर्शन देते देते भगवान अपनी इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं और हम भी मनुष्य होने के नाते से इन चर्म चक्षुओं से उनको निहारने का बेसब्री से हमेशा इंतजार करते हैं। कालों के काल महाकाल इस दुनिया में सदैव सबका संहार करते हैं, संरक्षण करते हैं और सदैव जीने की ललक जगा करके जीवन के जन्म और मृत्यु के बीच काल के कपाल पर सबका समय नियत करते हुए हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। हमारे देश की आभा दुनिया के अंदर मध्यप्रदेश सहित बाबा महादेव की छवि, एक देवों में देव महादेव, एक विलक्षण अलग प्रकार के देव जो अपने गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी आशा अपेक्षा उत्साह उमंग का दृष्टि से मनाते हैं। दक्षिण भारत में अमावस से अमावस मनाते हैं तो बाबा महाकाल दोनों में संतुलन रखते थे। पूर्णिमा से पूर्णिमा के सभी सावन की सवारियों के साथ साथ भादव की दो सवारी अर्थात अमावस से अमावस तक अर्थात हर एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबके लिए बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। आनंद जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आनंद जैन कसलीवाल साहब का। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेश आनंद गिरी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जूना अखाड़ा के। महाराज जी को प्रणाम भी है। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर महाराज जी आपका। शुरुआत महाराज जी आपके ही वचनों से करते हैं, आज आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, शाही सवारी और अब मुख्यमंत्री जी ने इसको राजसी सवारी कहा है, तो पहली प्रतिक्रिया तो आप ही की हमारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं। जी देखिएगा पांडे जी, हम इसको कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। जी हम इसको देख रहे हैं कि हिंदी का वैभव स्थापित हो रहा है। मध्यकाल के दौरान कई सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारी बोलचाल की हिंदी में आ गए और अंततः हमारी कई शासकीय भाषा के अंदर भी या इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर भी उर्दू के या जिसे कह सकते हैं कि जिन लोगों ने शासन किया हमारे यहाँ उनकी भाषा के अंदर विलोपित होने लग गए। तो ये स्पष्ट है कि जिस सवारी को हम लोग सवारी कह रहे हैं वो एक यात्रा है, वो संचरण है, वो एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन यानी कि वो एक महाकाल एक राजा के रूप में निकलते हैं, राजाधिराज के रूप में निकलते हैं तो हमें दिव्य यात्रा कह सकते हैं, उसे हम राजसी यात्रा कह सकते हैं, किंतु हमारा सदैव से एक आपत्ति रही कि इसे शाही सवारी क्यों कहते हैं। देखिए हम लोगों के साधु संतों के अंदर भी कई सारी ऐसे टर्मिनोलॉजीज है, इस प्रकार की उपमाएं हैं जिनके अंदर भिन्न फारसी शब्दों का उर्दू शब्दों का उपयोग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सिर्फ धर्म के या संप्रदाय के दृष्टिकोण से देखें। जी देखें जी हिंदी हमारी राजकीय भाषा राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित हो और उसको हम माने। कहां से हुई थी? आनंद मठ की उपन्यास से हुई थी। उसके अंदर जब साधुओं ने एक ऐसी देवी की कल्पना करी, उस देवी को भारत माता की उपमा दी और उसके बाद में वंदे मातरम का जो कि आज का हमारे राष्ट्र का गीत हुआ। परंतु हम देश काल परिस्थिति में बहुत सारी चीजों को बदलते चले आए, किंतु हिंदी का वैभव हम स्थापित करने में कहीं ना कहीं बेहद कमजोर रहे हैं। दक्षिण भारत को विशेष तौर पर देख लें, वहां पर हम मेट्रो से हिंदी के दो शब्द पटल है
उनको हमने जितने नेम प्लेट्स हैं उनको हटा दिया गया मेट्रोस के अंदर जी, तो भिन्न स्टेशन के ऊपर भी जी। तो हम ये पाते हैं कि यदि हमें हिंदी का वैभव स्थापित करना है तो मध्य प्रदेश हमेशा से अग्रणी रहा है। आज ये निर्णय हुआ है कि शाही को हटा करके राजसी किया जाए तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी जी जी, मैं लौटूंगा महाराज जी आपके पास। इसको हिंदू मुसलमान करना महामंडलेश्वर जी ने जो धार्मिक आधार बताया है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव जी ने जो किया है वो गलत है, क्योंकि जो कालों का काल महाकाल है, जो इस विश्व का विश्व के पटल पे उससे बड़ा कोई है ही नहीं, राजसी सवारी कर नहीं। तो संत समाज ने जो आपत्ति जताई थी, गैर राजनीतिक कर देता हूँ मैं इसको गैर राजनीतिक कर देता हूँ। संत समाज ने जो आपत्ति जताई थी उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, आपत्ति गलत है। संत समाज की आपत्ति थी, ये मेरी आपकी या किसी पार्टी की नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, संत समाज अगर कोई आपत्ति लेगा तो क्या पूरे हिंदुस्तान में सब चीजें बदल देंगे? भगवान का पर वो तो बाबा महाकाल से जुड़े हुए, बाबा महाकाल की सवारी है उसकी बात कर रहे हैं ना, किसी सड़क चबूतरा या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, तो ये हजारों साल पुरानी परंपरा है शाही सवारी के नाम से। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए था? फिर प्रियंका जी का रुख करेंगे, समय काफी निकल रहा है जी। नहीं, बदलाव की पहली बात तो कोई आवश्यकता नहीं है, जो परंपरा है, जो प्रचलन, जो धार्मिक सांस्कृतिक आधार चल रहा है, पर इसलिए बदलना कि वो मुस्लिम शब्द है। ठीक, कि जो जैन साहब कह रहे कि हमारे सभी धर्माचार्य तय किया कि उन्हें शाही शब्द से आपत्ति है, क्योंकि वो हमारे धर्म विशेषज्ञ हैं, वो हमारे धर्म के ऊपर हमसे कई गुना ज्यादा ज्ञान रखते हैं और उनके ज्ञान के आगे हमारी बुद्धि बहुत ही अल्प है। अगर हम उनके ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें तो ये सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात होगी। अगर हमारे धर्म विशेषज्ञों ने तय किया है कि उन्हें शाही शब्द पे आपत्ति है और वो इस शब्द को नहीं चाहते, उसकी जगह दिव्य या भव्य शब्द होना चाहिए, तो ये उनका आदेश मानते हुए इसे हम सिरमोरे करते हैं, क्योंकि ये उनकी आस्था का विषय है, उनके विश्वास का विषय है। इसके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी धर्म विशेष के उलेमाओं को ज्ञान नहीं दे सकते तो क्यों हम किसी एक धर्म के ऊपर अपनी राय थोपने लगते हैं? समाज को क्यों थी, और अब जब नाम बदला गया है तो इस पे आप लोग प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं? बस दो बात। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं था। ये विषय ये था कि शाही शब्द जो है ये मध्यकाल के दौरान जिस समय पर हम मुगल आक्रांताओं से पीड़ित थे, उस समय पर किसी संधि के तहत या किसी दबाव के तहत हम नागाओं के युद्ध के कारण सवारी निकालने की अनुमति दी गई, अन्यथा सवारियां भी बंद हो गई थी, हम लोगों की पेशवाइयां निकलना बंद हो गई थी, जिसे पेशवाई शब्द दिया गया। तो हमने उस समय पर भी ये कहा था, 1780 का आप सन्यासी रेबेलियन को पढ़ लीजिए, आप उस सन्यासी क्रांति को पढ़ेंगे आनंद जी तो समझेंगे। हमारा तात्पर्य कहीं से कहीं तक इसमें हिंदू मुस्लिम उठाना नहीं है, इसके अंदर हिंदी के वैभव को स्थापित करना है। यदि सनातन हिंदू धर्म है, उसके कोई प्रतिष्ठान है, वहां पर हिंदी के शब्द ही लागू होने चाहिए। भारत की जहां तक बात उठती है, हम सभी भाषाओं का, सभी धर्मों का, सभी वर्णों का सम्मान करते हैं, सबके अंदर एकात्म का भाव रखते हैं, किंतु इन स्थानों की जो व्याख्याएं होंगी सर्वप्रथम वो हमारी स्वयं की भाषा में होनी चाहिए। इस बात को लेकर के सभी साधु संतों ने अपनी बात को उठाया था। विगत 20 साल से मैं इस विषय को कहता आ रहा हूँ कि हमने तो मर्यादा के सारे धागे तोड़ दिए, क्योंकि हम मर्यादा जो रखना चाहते थे हिंदी की मर्यादा के अंदर, हिंदुस्तान की मर्यादा के अंदर, भारतीय परिवेश के अंदर, उन मर्यादाओं को हमने समझना ठीक नहीं समझा, उचित नहीं समझा। हमने कितनी बार कहा कि किस प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट को, आचार संहिता को लागू किया जाए। आचार संहिता को लागू करने के लिए ही इस शुरुआत है कि हम भाषा से शुरुआत करेंगे, वो आचरण में आएगी, फिर वो आवरण में आएगी। अभी क्या हुआ है कि आवरण ही बाधित हो गया है, तो आचरण तो स्वाभाविक रूप से बाधित होगा। तो हमारा विषय यह है, कहीं से कहीं तक इसके अंदर धार्मिक वैमनस्य की, सांप्रदायिक वैमनस्य की कोई बात ही नहीं है जी। ठीक है, ठीक है। आनंद जी कुछ कहना चाहते?